सदर के राजपुर चुंगी में दस्तावेज लेखक हरेश पचौरी की हत्या के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद शूटर सचिन कंजा को 30 घंटे की रिमांड पर ले लिया है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के बारे में तमाम जानकारी ली और हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल को भी बरामद किया है। इस पूरे मामले में एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि सचिन कंजा को 30 घंटे के लिए रिमांड पर लाया गया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल को बरामद किया। वहीं सचिन कंजा के द्वारा पुलिस को वारदात के बारे में पूरी जानकारी दी। एसपी सिटी ने बताया कि सचिन कंजा भालू प्रताप मुदगल उर्फ बीपी की जिम में आया करता था, जहां दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई। जिम के अंदर ही सचिन कंजा और बीपी मुदगल ने हरेश पचौरी की हत्या की पूरी योजना बनाई। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस के द्वारा सचिन कंजा की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद कर ली गई है और हत्यारोपियों के विरुद्ध अन्य सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। देखिए, विवेचना के क्रम में हरीश पचौरी का जो मर्डर थाना क्षेत्र सदर में हुआ था, उसमें सभी अभियुक्तों को जो है वो जेल भेजा गया था। सचिन कंजा जो उसमें जो मेन अभियुक्त है, जो कि शूटर है इस पूरे कांड का, उसको पुलिस ने पीसीआर पे लिया था। उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इस केस के बारे में प्राप्त हुई और एक पिस्टल की जो है इसमें बरामदगी हुई है। देखिए, सभी लोगों से उचित समय पे पूछताछ जो है वो की गई है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके द्वारा प्रॉपरली जो है उसका केस डायरी में भी सारे चीज़ों का जो है एविडेंसेस का अंकन जो है वो किया गया।